लेट्स टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ऑफ एक्सरसाइज थ्री एफ दैट इज लीन इक्वेशन टू वेरिएबल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इज सॉल्व थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टू एंड नाइन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन चलिए सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले इक्वेशंस लिख लेंगे फर्स्ट इक्वेशन थी थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वाई ईक्वल्स टू टू ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है नाइन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन ये हमारी सेकेंड इक्वेशन जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई है यहाँ एक्स माइनस वाई है तो यहाँ पे भी तो हम इसको लेट कर लेते हैं लेट वन अपॉन एक्स प्लस वाई है ए के इक्वल एंड वन अपॉन एक्स माइनस वाई है बी के इक्वल तो ये क्या बन गई अब वन अपॉन में आ रहा है तो थ्री ए हो जाएगा और अब माइनस की जगह बी आ जाएगा तो ये आ गई थ्री ए प्लस टू बी इक्वल्स टू टू ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन और नाइन ए माइनस फोर बी इक्वल्स टू वन ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन अब या तो आप ए के कॉफिशन सेम कर लीजिए या बी के तो बी में देखिए साइन चेंज है तो मैं बी के कॉफिशन सेम करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर देती हूं तो इक्वेशन वन बाय टू तो ये कितना आ गया सिक्स ए प्लस फोर बी इक्वल्स टू फोर और नीचे वाली आ गई नाइन ए माइनस फोर बी इक्वल्स टू वन कैंसिल हो गई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं थी तो ये आ गया फिफ्टीन ए इक्वल्स टू फाइव राइट अब ए की वैल्यू कितनी आ गई फाइव अपॉन फिफ्टीन दट इज वन बाय थ्री नुटिंग पुटिंग एक्वल्स टू वन बाय थ्री इन इक्वेशन वन वन में रख लेते हैं तो ये आया थ्री इन टू वन बाय थ्री प्लस टू बी इक्वल्स टू टू तो देखिए थ्री से थ्री के आंसर हो गया तो वन प्लस टू बी इक्वल्स टू 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 बी कितना आ गया वन उधर जाके माइनस का हो गया तो टू बी वन के इक्वल आया तो बी कितना आया टू नीचे चला गया वन बाई टू अब हम देखिए यहाँ पे हमने वन अपॉन एक्स प्लस वाई को एक इक्वल एक माना था और वन अपॉन एक्स माइनस एक वाई को बी के एक इक्वल तो हम उसे ही सॉल्व कर लेते हैं वन अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने ए के इक्लाना तो वन अपॉन एक्स प्लस वाई ए की जगह क्या आ गया वन बाय थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू थ्री ये आ गई हमारी कौन सी इक्वेशन थर्ड इक्वेशन राइट इसी तरीके से वन अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने बी के इक्वल बना तो वन अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू बी था हमारा वन अपॉन टू राइट वन अपॉइंट टू के इक्वल आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया x माइनस वाई इक्वल्स टू टू ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन अब सॉल्व कर लेंगे साइमल्टेनियसली x प्लस वाई हमारी थी थ्री के इक्वल थर्ड इक्वेशन और x माइनस वाई हमारा था टू के इक्वल फोर्थ इक्वेशन तो देखिए y के कॉफिशन भी सेम है साइन भी ऑपोजिट है तो कैंसिल हो गया टू एक्स इक्वल्स टू फाइव तो x कितना आ गया फाइव अपॉन टू पुटिंग x इक्वल्स टू फाइव अपॉन टू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड में भी रख सकते हैं लेकिन मैं थर्ड में रख रही हूँ राइट इन इक्वेशन थर्ड तो ये कितना आया फाइव अपॉन टू प्लस वाई इक्वल्स टू थ्री तो वाई कितना आया उधर जाके फाइव अपॉन्ट टू माइनस का हो गया तो y कितना आया टू एल सी एम आया थ्री इंटू टू माइनस फाइव दैट इज सिक्स माइनस फाइव अपॉन टू तो y कितना आ गया वन अपॉन्ट टू इज़ द आंसर